नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में या अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड की EVS पाठ पुस्तक कक्षा 3 से पाठ क्रमांक 9 पानी अनमोल है पाठ को लेके आए हैं, जो कि बहुत ही रोचक पाठ है। इसमें कि पानी अनमोल है हम सभी जानते हैं और इसको हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो इनके पानी के स्रोतों और पानी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हम करते हैं, उनके स्रोतों के बारे में और उनके उपयोग पानी के उपयोग के बारे में ही बताने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही रोचक कॉन्सेप्ट है ये, बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो उसको बहुत अच्छे से बताते भी हैं और समझते भी हैं। तो हम समझते हैं कि आपने कल ही ये पाठ बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है। आज आप इस पाठ से संबंधित बच्चों का पुनः अध्ययन कराना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि बच्चों को आज आप इसमें जो भी पढ़ाएं तो उसके पहले आप चाहते हैं कि बच्चों का थोड़ा सा पुनः अध्ययन हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चों को। इसके लिए पुनः अध्ययन बहुत ही ज्यादा आवश्यक एक प्रक्रिया है। पुनः अध्ययन कराने के लिए हम एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे, लेकिन उसके पहले एक जानकारी ये कि आप जब बच्चों की अटेंडेंस लगाते हो तो बच्चे उसमें क्या बोलते हैं, यस सर, यस मैम, या जय हिंद या जय भारत बोल के वो बैठ जाते हैं। क्या बच्चे कुछ नया सीखते हैं? कुछ नहीं। बच्चे के अंदर ऊर्जा रहती है? नहीं। बच्चे एकदम निरस्ता से बैठे रहते हैं। अगर हम आपसे कहें कि हम यहाँ पर एक ऐसे नवाचार को क्रियान्वित करेंगे जिसमें कि बच्चा ऊर्जावान महसूस करेगा, बच्चों का पुनः अध्ययन भी होगा और अटेंडेंस भी पूरी हो जाएगी, तो कितना अच्छा हो। हम यहाँ पर एक नवाचार की बात करें जो कि बहुत ही रोचक नवाचार है। हमारे नवाचार का नाम है थीम आधारित उपस्थिति, थीम बेस्ड अटेंडेंस। इस नवाचार के क्रियान्वयन में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसकी नवीनता और उपयोगिता की बात करते हैं। इस नवाचार में नवीनता और उपयोगिता ये है कि विद्यार्थी पूर्व में पढ़े हुए पाठ से संबंधित कोई एक शब्द, एक वाक्य, एक संख्या बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। साथ ही कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रखा जाता है और पुनः अध्ययन करने के लिए ये नवाचार बहुत ज्यादा उपयोगी है। थीम आधारित उपस्थिति नवाचार के क्रियान्वयन में 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है। बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है, लेकिन 20 मिनट की समय अवधि वो है वो निर्धारित की गई है। इस नवाचार क्रियान्वयन से पूर्व बच्चों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि बच्चों आपको जो भी उत्तर देना है खड़े होकर विनम्रतापूर्वक उत्तर देना है। इससे बच्चों के अंदर विनम्रता का गुण विकसित होता है। साथ ही अगर किसी बच्चे को उत्तर देने में समस्या है तो शिक्षक उनकी मदद भी करते हैं। अब इस नवाचार क्रियान्वयन में बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों आपको आज अटेंडेंस तो बोल ली है, लेकिन हम कल के पाठ का पुनः अध्ययन करेंगे। पानी अनमोल है पाठ का, कल हमने पढ़ा था। इस पाठ से संबंधित और भी कॉन्सेप्ट की आपको जानकारी दी हमने। आज हम इस पाठ का पुनः अध्ययन करेंगे, लेकिन एक गतिविधि के आधार। आज आपको अटेंडेंस में यस सर, यस मैम, जय हिंद, जय भारत नहीं बोलना है। आज आपको हम एक थीम देंगे और उस थीम के आधार पर आज आपको उत्तर देना है, और जो भी आपका उत्तर हो वो आप उत्तर देंगे और अपनी जगह पर बैठेंगे। तो थीम के आधार पर आपको उत्तर देना है। बहुत ही रोचक है, आपको भी बहुत आनंद आने वाला है। तो बच्चों को बताने के बाद बच्चे उत्साहित होते हैं और बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों आज की आपकी थीम है जल की उपयोगिता और जल के स्रोत की जानकारी को आपको दोहराना है। तो मैं रोल नंबर बोलूंगा, आपको खड़े होकर किसी भी एक जल का स्रोत और बोल के और उसके उपयोग के बारे में बताकर आपको बैठ जाना है, ठीक है, या जल की उपयोगिता को आपको बताना है। तो यहाँ पर रोल नंबर बोला जाता है बच्चे का। रोल नंबर एक, बच्चा खड़ा हुआ, राम। राम ने खड़े होते हुए बोला पानी जल का स्रोत है कुआ। इस प्रकार हर बच्चा अपनी उपस्थिति इसी प्रकार जल की उपयोगिता या जल के स्रोत का नाम बता के और अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो कल के पाठ का पुनः अध्ययन भी हो जाएगा, बच्चों की उपस्थिति भी दर्ज हो जाएगी, बच्चों के अंदर एक नई रोचकता भी आ जाएगी। तो बहुत ही रोचक नवाचार, मैंने आपको पहले ही बताया, बच्चे इसको बहुत उत्साहित तरीके से इसको ग्रहण करते हैं। नवाचार बहुत ज्यादा उपयोगी, हम चाहते हैं कि आप इसको अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों का पुनः अध्ययन बहुत ही आसानी से, हमने आज देखा कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की EVS पाठ पुस्तक कक्षा 3 से पाठ क्रमांक 9 पानी अनमोल है पाठ का पुनः अध्ययन बहुत ही आसानी से थीम आधारित उपस्थिति नवाचार के माध्यम से किया गया। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।